हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कारी लाइट। एंड गाइज, हियर वी हैव द ऑल न्यू 2023 टाटा पंच एकॉम्प्लिश सीएनजी वेरिएंट आपके सामने खड़ी हुई है। एंड काफी ज्यादा, मतलब सीएनजी में अगर देखते हो तो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ही निकल के आ जाती है। एंड गाइज, इसका फुल डिटेल रिव्यू करने वाले, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, डायमेंशन, वेट, सेफ्टी फीचर्स, बूट स्पेस, सीएनजी में है तो क्या माइलेज दे देती है, प्राइसिंग वगैरह हर एक चीज बात करने वाले हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए तो इसको जरूर सब्सक्राइब करेगा, ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपैरिजन हमेशा पाने के लिए। एंड गाइज, अगर आप लोग वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो, टाटा की कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, कम टू द लेट्स मोटर, चेक आउट द प्रोडक्ट एंड बुक नाउ। स्टार्ट करते हैं गाइस की से, तो कुछ ऐसी की यहाँ पे आपको देखने में जाती है अपनी पंच एकॉम्प्लिश सीएनजी में। यहाँ पे आपको फोर बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक, ट्रंक ओपन करने का एंड फॉलो मी हेडलैम्प का, एंड पीछे टाटा की ब्रांडिंग मिल जाती है। एंड गाइस, इसी में आपको एक फिजिकल की मिलेगी। एंड गाइस, अगर बात करते हैं वेरिएंट एंड कलर ऑप्शन की, तो पंच ऑफर होती है टोटल 33 वेरिएंट में, 9 कलर ऑप्शन ऑफर होती है। पेट्रोल सीएनजी दोनों में ही अवेलेबल होती है। अभी आपके सामने सीएनजी खड़ी हुई है एंड पंच एकॉम्प्लिश सीएनजी वेरिएंट है मैनुअल ट्रांसमिशन में। एंड गाइस, प्राइसिंग की बात करेंगे तो पंच अवेलेबल होती है 5.99 लाख, एक्सोरूम टॉप मॉडल तक जाती है 10.1 लाख एक्सोरूम। अभी आपके सामने खड़ी हुई है भाई अपनी एकॉम्प्लिश सीएनजी, इसकी प्राइस आपको 8.85 लाख एक्सोरूम पड़ेगी और मोटी मोटा 10 लाख 30 से 10 लाख 35 हज़ार तक ही आपको ऑन रोड पड़ेगी। एंड गाइस, जो ऑन रोड प्राइस है वो बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकता है। एंड गाइस, स्टार्ट करते हैं इसके ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल से, तो कुछ ऐसी लुक निकल के आ जाती है भाई फ्रंट से। एंड जो कलर ऑप्शन भी आपके सामने खड़ा हुआ है, काफी मतलब आप बोल सकते हो मतलब अट्रैक्टिव कलर खड़ा हुआ है, मतलब रोड प्रेजेंस इसका काफी बढ़िया रहने वाला है, थोड़ा तड़क चमक आप बोल सकते हो, ठीक लग रहा है भाई। वैसे सबसे पहले फ्रंट्स में अगर आप ऊपर ग्रिल को देखते हो तो यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रिल मिल जाता है डार्क क्रोम ट्रीटमेंट के साथ। यहाँ पे आपको क्रोम की ट्रीटमेंट मिल जाती है, टाटा की ब्रांडिंग, हॉर्न की प्लेसमेंट काफी शानदार लगता है, क्रोम की फिनिशिंग हो जाती है गाड़ी में तो ये भी बढ़िया रहता है। यहाँ पे आपको ऊपर भाई हैलोजन अपना मिल जाता है, पायलट लैंप, यहाँ पे आपको मिलेगा टर्न सिग्नल्स, वो भी भाई अपना हैलोजन मिलता है। एंड ये भाई अपना मेन हेडलाइट रहा, हेडलैम्प बोलोगे आप, रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन सेटअप में मिलता है, हैलोजन है। यहाँ पे गाइस आपको मिल जाता है फॉग लैंप, वो भी हैलोजन मिलता है, कुछ ड्राइवर की ब्रांडिंग। नीचे आपको मिलेगा अपना स्मोक ब्लैक कलर का ग्रिल, नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप, यहाँ पे आपको टोहू का सेटअप मिल जाता है। बाकी पूरा आपको जो बंपर मिलता है नीचे वो पूरा स्मोक ब्लैक कलर में मिलता है। बाकी फ्रंट प्रोफाइल चेकआउट करिए भाई, ठीक है। और यहाँ पे देखें पूरा फ्लैट्स मिलता है, यहाँ पे थोड़ा बंपर मिल जाता है साइड साइड में, वाइपर्स मिल जाते हैं एंड फ्रंट का विंडशील्ड देखिए भाई। एंड गाइस, आते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ, तो ये भाई अपना लेफ्ट साइड प्रोफाइल। और यहाँ पे गाइस साइड प्रोफाइल में सबसे पहले नोटिस करने वाली चीज़ होती है व्हील। यहाँ पे गाइस आप देख रहे हो तो अपना ये आपको लग रहा होगा अलॉय व्हील, बट ये अपना रिम व्हील आता है, काफी बढ़िया सा व्हील कैप मिलेगा, टाटा की ब्रांडिंग, फ्रंट डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक ऑफर होते हैं। एंड टायर प्रोफाइल को देखते हैं तो 185/70 सेक्शन टायर मिल जाते हैं विद 15 इंचेज ऑफ रिम व्हील, अलॉय व्हील नहीं है। एंड यहाँ पे आपको बॉडी क्लाइडिंग मिल जाती है, स्ट्रिप एंड फेंडर कुछ ऐसा मिल रहा है अपना, जहाँ पे कुछ बम्प वगैरह मिल जाते हैं। एंड इधर गाइस आपको मिल जाती है ORVM, जो कि भाई डुअल कलर में अपनी बॉडी कलर, नीचे ब्लैक, टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं, बीडिंग रूफ पोस्ट आपको ब्लैक कलर की मिलेगी। यहाँ पे गाइस आपको मिल जाती है अपनी बॉडी कलर डोर हैंडल्स, एंड नीचे आपको काफी बढ़िया डोर क्लाइडिंग मिल जाती है पूरी स्मोक ब्लैक कलर में। एंड गाइस, यहाँ पे आप अपना फ्यूलिंग वगैरह करा सकते हो, अगर सीएनजी पेट्रोल है तो पेट्रोल। यहाँ पे गाइस डोर हैंडल तो फ्रंट में देख रहे थे, यहाँ पे गाइस आपको अंदर हाथ डाल के ऐसे पोस्ट करेंगे, इजीली ओपन हो जाएगा, कोई बड़ा बड़ा मसला नहीं है इसमें। एंड गाइस, इसका जो टेल लैंप है ना वो इसके फेंडर पे आ जाता है, तो थोड़ा सा लुक को इनहेंस कर देता है और ठीक भी लगता है। रियर में गाइस अपने को ड्रम ब्रेक आ रहे हैं, फ्रंट में डिस्क ब्रेक आ रहे थे, ये अपना फुल बॉडी क्लाइडिंग आती है। एंड रियर में देख रहे हैं तो भाई अपना इसके ऊपर जाते हो तो अपना मिल जाता है, ये अपनी सेकंड टॉप मॉडल है, वहाँ पे आपको शार्पिन एंटीना मिलेगा, अभी तो भाई अपना रेडियो एंटीना नॉर्मल चुंडी जैसा भाई देखने को मिल रहा है। अब आते हैं गाइस इसके हम लोग रियर प्रोफाइल की तरफ। सो गाइस, ये है प्रॉपर अपनी पंच एकॉम्प्लिश सीएनजी की रियर प्रोफाइल, जहाँ पे आप देख रहे हो तो भाई अपना हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, डिफॉगर वाइपर नहीं आता, सीएनजी वोकल लोकल की ब्रांडिंग मिल जाएगी, टाटा की ब्रांडिंग, रियर कैमरा प्लेसमेंट पंच की ब्रांडिंग मिल जाती है, 1-2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, इधर आपको नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर एंड कुछ ड्राइव की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। एंड अगेन नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप। एंड गाइस, नीचे आपको पूरा ब्लैक कलर की बंपर मिलती है। एंड भाई इसके ऊपर मॉडल में जाते हैं, ये सब आपको यहाँ पे आपको एक लाइट देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको कुछ सिल्वर फिनिश वगैरह देखने को मिल जाती है, स्पेयर व्हील नीचे देखने को मिलेगी, ये अपना एग्जॉस्ट। एंड अगर बूट स्पेस को देखते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको 210 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, पंचर किट मिलेगी, यहाँ पे ट्रायंगल वगैरह मिलेगा, 60 लीटर की वाटर कैपेसिटी मिल जाती है अपने सीएनजी में। एंड यहाँ पे बूट लाइट मिलेगी, यहाँ पे हैंगर मिल जाती है, पार्सल ट्रे प्लेसमेंट, अंदर की बातें अभी अंदर चल के बिल्कुल करेंगे हम लोग। बाकी ऊपर प्रॉपर आपको कवर मिल जाता है, एक हैंडल मिलेगा ट्रंक पे, एंड यहाँ पे नीचे आपको नंबर प्लेट हाइलाइटर्स के लिए लाइट मिलेगा। एंड ट्रंक को करते हैं क्लोज, अब आते हैं हम लोग राइट साइड प्रोफाइल की तरफ। तो गाइस सेम लेफ्ट साइड की तरफ राइट साइड प्रोफाइल मिलती है, डोर हैंडल्स आपको मिलती है भाई, बॉर्डर कलर, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं अपने, सिर्फ ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड नहीं मिलता। रियर में अपने ड्रम ब्रेक, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, बीडिंग और रूफ पोस्ट आपको स्मोक ब्लैक कलर। एंड गाइस काफी प्राउड की बात है अपने टाटा के लिए, 50 लाख कार्स मैन्युफैक्चर, फ्रंट में डिस्क ब्रेक आ रहे थे एंड काफी ब्लैक कलर का यहाँ पे व्हील कैप मिलता है, बाकी बॉडी क्लाइडिंग वगैरह सभी चीज़ आपको मिल जाते हैं। सो गाइस, ये था भाई पूरा वॉक अराउंड फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल, रियर प्रोफाइल अपने पंच एकॉम्प्लिश सीएनजी का। एंड अब बात करते हैं भाई इसके ओवरऑल हम लोग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, क्या यहाँ पे आपको डायमेंशन, वेट एंड सेफ्टी फीचर्स ऑफर होते हैं।
एंड गाइस डायमेंशन में हम लोग सबसे पहले लेंथ की बात करेंगे तो ओवरऑल लेंथ मिलती भाई 3827 mm की, विड्थ मिल जाती है 1742 mm की, ओवरऑल हाइट मिलती है 1615 mm की, व्हील बेस 2445 mm की देखने को मिल जाती है। एंड गाइस ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा मैटर करता है तो भाई अपने पंच में ऑफर होता है आपको अप्रॉक्स 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, काफी ठीक ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। सो गाइस कुछ ऐसा यहाँ पे ओवरऑल डायमेंशन वगैरह मिल जाता है। एंड अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स की, तो गाइस सेफ्टी में सबसे पहले भाई अपनी टाटा की प्रोडक्ट है, काफी बढ़िया है तो इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। एंड यहाँ पे गाइस अगर आप देखते हो तो 2 एयरबैग, एबीएस, सीबीडी, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, आइसोफिक्स साइड सीट्स माउंट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। रियर में आपको पार्किंग कैमरा भी मिल रहा है, पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जा रहे हैं और काफी बढ़िया ओवरऑल यहाँ पे आपको भाई मिल जा रहा है अपना ओवरऑल डायमेंशन एंड सेफ्टी फीचर्स। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और देखते हैं अंदर क्या क्या फीचर्स भाई अपने को ऑफर हो रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अंदर चलेंगे ड्राइवर साइड केबिन में और देखेंगे वहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सभी चीज़ तो मैंने आपको दिखाई दिया है, राइट साइड प्रोफाइल में एक बार प्रोफाइल चेकआउट करिए, काफ़ी बढ़िया कलर ऑप्शन लग रहा है ये अपना। एंड यहाँ पे आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, फिजिकल की नो रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह देखने को मिल रहा है। चलते हैं अंदर भाई इसके और काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको डुअल कलर में डोर मिलता है ब्लैक, एंड यहाँ पे आपको व्हाइट कलर मिल जाती है कुछ स्पेस, पावर विंडो कंट्रोल, ड्राइवर साइड ऑटो, यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल मिलेगी, डार्क रूम इंसर्ट्स में आपको मिल जाती है अपनी डोर लीवर, नीचे स्पीकर प्लेसमेंट, बड़ों लोग कुछ स्पेस मिल जा रहे हैं। सीट्स देख रहे हैं तो भाई अपनी फैब्रिक की आ रही है, सीट हाइट एडजस्टेबल भी मिल रहा है, हेड डेस्क दो हैं, दोनों फिक्स है, डेडिकेटेड आर्म रेस्ट मिल जाते हैं अपने ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए। अब चल रहे हैं अंदर इसके और थोड़ा सा हम लोग करते हैं भाई अपने डोर को क्लोज। हाँ तो कुछ ऐसा ओवरऑल यहाँ पे गाइज आपको इंटीरियर देखने को मिल जा रहा है अपने पंच अकॉम्प्लिस सीएनजी में। यहाँ पे गाइज सबसे पहले इसको हम लोग ऑन कर लेते हैं तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको मिल रहा है अपना फुल्ली डिजिटल एमआईडी, जहाँ पे आप ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर एंड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाते हैं। और बैटरी इंडिकेटर मिलेगा, लो बैटरी इंडिकेशन, एंड यहाँ पे आपको मिल जा रहा है टैकोमीटर वगैरह, उधर आपको फ्यूल गेज मिल जा रहा है, इंजन टेम्परेचर मिल जा रहा है, सीएनजी पेट्रोल अलग से सभी का मिल जाता है, पूरा डिजिटल है, कोई भी चीज़ एनालॉग नहीं मिलती। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा स्टीयरिंग मिलती है टाटा की ब्रांडिंग सिल्वर फिनिश, ऑडियो कंट्रोल एंड इंफोटेनमेंट कंट्रोल मिल जाता है। एंड उसी के बाद गाइस अगर देख रहे हैं स्टीयरिंग को तो भाई अपना टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं आता। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं हेडलाइट्स के कंट्रोल, इधर वाइपर कंट्रोल, यहाँ पे आपको भाई हाई बीम लो बीम मिल जाता है, यहाँ पे आपको भाई डोर लॉक अनलॉक बटन, सीएनजी कन्वर्टर, यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, एंड गाइस यहाँ पे आपको मिल जाता है अपना 7 inches का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो सपोर्ट करता है ऑटो कार प्ले एंड एप्पल कार प्ले को। एंड यहाँ पे आपको कुछ ऐसा का इस काफी बढ़िया सिल्वर फिनिश मिल जाती है, एसी वेंट्स मिल जा रहे हैं सिल्वर फिनिश साथ, यहाँ पे आपको हैजार्ड का बटन मिलेगा, एंड डुअल कलर में काफी बढ़िया लग रहा है ब्लैक एंड व्हाइट। इधर आपको एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि भाई अपना ऑटो क्लाइमेटिक कंट्रोल के साथ आती है, यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट, टाइप सी पोर्ट, 12 वाट का पावर सॉकेट, यहाँ पे आपको कुछ स्पेस, 5 speed manual ट्रांसमिशन के साथ आती है, गियर लीवर यहाँ पे आपको मिल जाती है भाई अपनी एक यूएसबी पोर्ट, कुछ स्पेस, हैंड ब्रेक प्लेसमेंट, डेडिकेटेड आर्म रेस्ट आता है, काफी बढ़िया बात है। और यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स में स्पेस मिल जाता है लाइट के साथ, कुछ ऐसा यहाँ पे आपको ऊपर लाइट मिलेगा, इधर आपको मिल जाता है डेनिम आईआर गियर, यहाँ पे आपको टिकट होल्डर के साथ सनवाइजर मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई वैनिटी मिरर के साथ सनवाइजर। एंड इसको भाई हम लोग ऑफ कर लेते हैं, कुछ ऐसा यहाँ पे आपको एमआईडी एंड इंफोटेनमेंट देखने को मिल जा रहा था। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके भाई अपने सेकंड रो में, तो फर्स्ट रो में सभी चीज़ मैंने आपको दिखाई दिया कुछ ऐसे मिल लेते हैं, एंड सेकंड रो में भाई अपना बिडिंग वगैरह सभी चीज़ भाई ब्लैक वगैरह मिलते हैं, क्रोम इंसर्ट्स आप आफ्टर मार्केट करा सकते हो। एंड यहाँ पे आपको हैंडल भाई ऐसे कुछ फिजिकल नहीं मिलता है, ऊपर आपको नॉर्मल कोई बड़ा मसला नहीं है, अंदर हाथ डाल के ऐसे प्रेस करेंगे ये इजिली ओपन हो जाएगा। और फ्रंट की तरह अपनी फिनिशिंग में मिल रहे हैं डोर, यहाँ पे व्हाइट टच मिल जा रहा है, इधर आपको ब्लैक कलर, डार्क रूम में मिल रहा है अपना डोर लीवर, पावर विंडो कंट्रोल, कुछ स्पेस, स्पीकर प्लेसमेंट मिल जा रहे हैं, यहाँ पे बॉटल होल्डर वगैरह, बाकी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ बाकी। हाँ गाइस तो थोड़ा सा व्हाइट कलर का फिनिशिंग दे दिया, अच्छा लग रहा है और ये कलर भाई काफ़ी ठीक लग रहा है भाई। और ये भाई अपना फैब्रिक पूरी सीट्स आ रही है, हेडरेस्ट पीछे दो हैं, दोनों ही फिक्स्ड हैं, पार्सल ट्रे आ जा रही हैं, और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा स्पेस वगैरह देखने को मिल जा रहा है। जो सीट है अपनी वो भाई 60-40 नहीं आती, आगे वाली सीट को पूरा ही मैंने पीछे कर रखा था, तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको तब नीरूम मिल रहा है और स्पेस तो काफ़ी बढ़िया, आप पैर एकदम अंदर ले जाओगे कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होगी। हेडरूम को अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा हेडरूम मिल जा रहा है, काफी ठीक हेडरूम यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। इंटीरियर स्पेस में थोड़ी सा अगर हाइट लॉन्ग हाइट के लोग होंगे तो उनको थोड़ी मोड़ी दिक्कत वगैरह आ सकती है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो तो भाई सेंटर प्रेजेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वहाँ बीच में नहीं मिलता है, तो इसलिए बीच में भी बंदे बैठेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे, हेडरेस्ट वगैरह आ रहा है, हेडरेस्ट यहाँ पे भाई आपको एडजस्टेबल नहीं फिक्स मिलते हैं। फ्रंट का डैशबोर्ड आप चेकआउट करिए, ऊपर पूरा बेज कलर का आपको मिल जाता है अपना रूफ, हैंडल मिल जा रहा है, सॉफ्ट क्लोज हैंगर भी देखने को मिल रहा है दोनों ही साइड अपना, तो गाइस कोई भी आप सामान वगैरह भी कैरी कर सकते हो उस हैंगर पे। एंड यहाँ पे आपको भाई मिल जा रहा है अपना आइसोफिक्स साइड सीट माउंट वगैरह। अब चलते हैं बाहर और बात करते हैं इंजन में क्या पावर एंड टॉर्क भाई अपने को देखने को मिल जाता है पंच अकॉम्प्लिस सीएनजी में। तो इसके हम लोग हुड को ओपन कर लेते हैं, तो गाइस यहाँ से आप इजीली इसका अपना हुड ओपन कर लोगे,
लीवर मिलता है आपको। सो गाइस हुड ओपन करने के बाद कुछ ऐसा ओवरऑल सीन मिलेगा। प्रॉपर हुड पे आपको इंसुलेटर मिल जाते हैं, इधर आपको मिलेगा फ्यूज बॉक्स पे इसमें बैटरी प्लेसमेंट, इंजन इधर आपको मिल जाता है पूरा इंजन का सेटअप। पानी भरने के लिए भाई वहाँ वॉशरूम का सेटअप मिलेगा, कूलेंट वगैरह देखने को मिल जाता है। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो भाई अपनी सीएनजी वेरिएंट है। यहाँ पे आपको जो मिलती है इंजन स्पेक्स वो मिलती है 1199 सीसी 3 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन। मैक्स पावर की बात करें तो 72.4 BHP पावर मिल जाती है 6000 आरपीएम पे एंड 103 Nm की टॉर्क मिलती है भाई को 3250 आरपीएम पे। एंड यहाँ पे माइलेज आपको अप्रॉक्स 27 किलोमीटर की मिल जाती है पर केजी की एंड 60 लीटर वाटर कैपेसिटी मिलती है अपनी भाई सीएनजी की। बाकी गाइस यहाँ पे आपको दो सीएनजी टैंक देखने को मिल जाते हैं जिससे कि बूट स्पेस भी बढ़ जाता है अपना, 210 लीटर का बूट स्पेस आ जा रहा है। सो गाइस कुछ ऐसा ओवरऑल इंजन स्पेसिफिकेशन माइलेज वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। एंड ये कलर आपको जो थोड़ा मतलब ज्यादा अट्रैक्शन वाला कलर चाहिए, डार्क कलर चाहिए, तो आप इस कलर ऑप्शन पे आ सकते हो, काफी बढ़िया लग रहा है भाई मुझे। एंड गाइस यहाँ पे इसकी प्राइस आपको मोटी मोटा अप्रॉक्स 10,30,000 से 10,35,000 तक ऑन रोड पड़ेगी वाराणसी में। एंड ये प्राइस है जो गाइस वो डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकता है। एंड बाकी गाइज अगर कोई भी चीज मुझसे मिस हो गया तो फटाफट से कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। एंड यहाँ पे आपको पूरा हेलोजन सेटअप देखने को मिल जाता है। सनरूफ इस वेरिएंट में नहीं आता, वहाँ पे आपको भाई अपने अकॉम्प्लिस एस पे जाना पड़ेगा तो वहाँ पे आपको सनरूफ मिल जाएगा। बाकी गाइज वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन में छपाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।